हेलो यूट्यूब, माय नेम इज मोहम्मद अजीम एंड अगेन मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैक ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि हम अपने HTML में CSS का यूज़ किस तरह करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि CSS के साथ अपनी कोडिंग किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने HTML सीरीज़ की हमारी पहली दो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जितने भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने वो पहली वीडियो में बताया है और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अपनी HTML में इमेजेस किस तरह लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाए अपने नोटपैड में। एज ऑलवेज यहाँ पे हमने देखिए अपना टाइटल दे रखा है और ये रही हमने यहाँ पे एक सिंपल सी हेडिंग दे रखी है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि हेडिंग क्या होती है। तो सिंपली जैसे आप अभी इसको भूल जाइए कि मैंने हेडिंग दे रखी है, आप समझिए कि मैंने एक सिंपल टेक्स्ट दे रखा है। ओके, तो हम इसको देखते हैं हमारी फाइल कहाँ है। डेस्कटॉप पे हमने दे रखी है फाइल, हम इसको ओपन करके देखते हैं कैसा आ रहा है। देखिए, हमने जो हेडिंग दी थी वो ये रही और CSS हमने जो टाइटल दिया था वो ये रहा। तो आते हैं अपनी कोडिंग पे अगेन। फ्रेंड्स, मैं एक मिनट आपको एक चीज़ और करके दिखाऊँ, मैं इसमें इमेज और ऐड कर देता हूँ ताकि हम दो तीन एग्जाम्पल एक साथ कर लें CSS में। ओके, src इक्वल टू मेरा इमेज का नाम मैंने पहले कॉपी कर लिया था, मैं ऐसा पेस्ट कर देता हूँ। /img इसकी क्लोजिंग हो गई, इसको सेव करते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करा, ब्राउजर पर आके कंट्रोल R से रिफ्रेश। फ्रेंड्स देखिए, ये रही हमारी इमेज और ये एक्चुअली मेरा थंबनेल है। तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे थंबनेल जो होते हैं वो बैकग्राउंड से वाइट कलर के होते हैं, तो इसलिए इस यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि इमेज कहाँ पे एंड हो रही है, मतलब इसके बॉर्डर्स कहाँ हैं। सब आप CSS के थ्रू हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपको HTML में करने में परेशानी होगी, CSS में आप हर चीज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। कोडिंग में आते हैं तो हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम CSS का इस्तेमाल तीन तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल, फिर होता है एक्सटर्नल, फिर होता है इनलाइन। तो इनलाइन और एक्सटर्नल को अभी आप भूल जाइए, मैं आपको ये आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल कोडिंग किस तरह करते हैं। तो इंटरनल कोडिंग एक्चुअली हम करते हैं हेड टैग के अंदर हम लगाते हैं स्टाइल टैग, वही ग्रेटर देन लेस देन के बीच में, फिर उसकी क्लोजिंग। ओके, हमारी मतलब जितनी भी CSS की चीज़ें आएंगी इसके अंदर आएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखी है। ओके, ये एक्चुअली एक टैग है। ओके, ये एक चीज़ डिफाइंड है कि ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग वन है और इसके अंदर हमारा टैग है। तो अब जैसे मुझे एडिट करना है ये टैग, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर एडिट होगा, नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है H1। ग्रेटर आपको इसमें ग्रेटर देन और लेस देन कुछ नहीं लगाना, बस आपको सिंपली जो आपका टैग है उसका नाम लिखना है। सिर्फ जैसे हमने H1 लिखा, फिर उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं एक्चुअली, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए ये वाले ब्रैकेट, आप कीबोर्ड पे देख लीजिएगा, शिफ्ट करके दबाएंगे तो ये वाले आ जाएंगे। ओके, तो अब हम जितनी भी एडिटिंग करेंगे H1 के लिए, मतलब जो हमारे इस टेक्स्ट के लिए जितनी भी एडिटिंग करेंगे वो इसके अंदर करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा सिंपली कलर। ओके, कलर के बाद हम देते हैं कोलोन, इसे कहते हैं, देखिए दो डॉट जो हैं इसे कोलोन कहते हैं। अगर आप एंटर के बराबर में सेकंड बटन नहीं है, अगर आप शिफ्ट दबा के वो दबाएंगे तो आपका कोलोन आ जाएगा। ओके, हमने कोलोन दिया। अब कॉलोन के बाद आप जौन सा कलर देना चाहते हैं वो दे दें। आपको मैं एक मिनट दिखा दूँ, देखिए हमारा बैक ब्लैक कलर का है, हम इसको कलर दे देते हैं रेड। फिर उसके बाद लगाते हैं सेमी कॉलोन, जैसे जो बटन आपने शिफ्ट दबा के दबाया था उसको बिना शिफ्ट के दबाएं, ये आ गया हमारा सेमी कॉलोन। देखिए सेमी कॉलोन ऐसा होता है, ऊपर डॉट होता है फिर नीचे कॉमा होता है, ये हमारा सेमी कॉलोन, मतलब ये क्लोजिंग हो गई। मतलब जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि H1 की जितनी भी होगी, H1 में हम जितनी भी एडिटिंग करेंगे वो इन
दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे, तो अगर आप ऐसा लिख देंगे वो सब मिक्सड अप हो जाएगा, तो सिस्टम पता कैसे करेगा कि ये चीज़ कहाँ पे ख़त्म हो रही है, किस चीज़ के आपने लिखा है। तो यहाँ पे मतलब हमारा जो कलर है वो ख़त्म हो गया है, मतलब कलर हमने दे दिया है, फिर उसके बाद नई चीज़ मतलब फॉन्ट वगैरह देंगे तो वो आ जाएगी। तो सेमी कॉलन मतलब इसकी क्लोजिंग, जैसे हमने यहाँ पे स्लैश लगाया था, बस आपको जो आपने डिफाइन कर दी चीज़ उसके बाद आपको लगाना है सेमी कॉलन। हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, फिर आते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा रेड कलर का हो गया। अब हम आते हैं फॉन्ट पे, फॉन्ट हम इसके चेंज करते हैं, हमें लिखना है फॉन्ट, ओके, फिर दोबारा कॉलन। फॉन्ट मैं आपको दिखा दूँ कि आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, मैं एक्चुअली आपको वर्ड पैड में दिखाता हूँ। फॉन्ट आप देख लीजिए, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फ्रेंड्स आप फॉन्ट्स के नाम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट्स के नाम किसी को याद तो होते नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमने जैसे ये एल्जेरियन है फॉन्ट, हम इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आए फॉन्ट पेस्ट कर दी, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन लगाने के बाद सेव करें, आया अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करें, क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स मेरा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे आएगा फॉन्ट फैमिली, ओके फॉन्ट फैमिली आता है, मैं एक्चुअली भूल गया था इस चीज़ में, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, फॉन्ट फैमिली, ओके फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे हमने कॉलन दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन, और आप कॉपी पेस्ट सॉरी कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमारी फॉन्ट चेंज हो गई, और अगर हम इसको एमएस वर्ड को बंद कर देते हैं, तो अगर अब हमें आते हैं साइज पे, तो अगर हमें साइज चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट फिर डैश फिर साइज, ओके मतलब फॉन्ट साइज फिर कॉलोन दें, फॉन्ट साइज आप जितना देना चाहते हैं उतना देते हैं, मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ। पिक्सल मतलब पिक्सल को हम पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप ये पीएक्स नहीं भी लगाएंगे तो भी वो आपका रीड कर लेगा, ओके। तो हमने कॉलोन लगा के 20 पिक्सल दे दिया, और सेमी कॉलोन लगा देते हैं, मतलब ये ख़त्म। यहाँ पे इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारी फॉन्ट साइज छोटी हो गई। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं सीएसएस में। अब हम आते हैं इमेज पे, इमेज में हम डालते हैं सिर्फ आईएमजी, ओके आईएमजी डाला, कर्ली ब्रैकेट्स दिए, एक्चुअली इन्हें ब्रेसेस भी बोलते हैं लेकिन मैं कर्ली ब्रैकेट्स बोलना ज़्यादा सूटेबल समझता हूँ इसे, ओके इमेज पे कर्ली ब्रैकेट्स दिए। अब हमें देना है बॉर्डर, तो हम लिखेंगे बॉर्डर, ओके बॉर्डर दिया, अगेन कॉलोन, फिर दे देते हैं हम बॉर्डर, बॉर्डर आपको चाहिए सॉलिड, सॉलिड मतलब जैसे एक लाइन में आएगा, ओके सॉलिड जैसे ये हमारी देखिए ये जो फॉन्ट के नीचे हमारा ये जा रहा है, एक तरीके से बॉर्डर समझ लीजिए सॉलिड लाइन में जा रहा है ना, कहीं पे कट नहीं हो रहा, तो इसी तरह हम डालते हैं सॉलिड। किस कलर का चाहिए, स्पेस देके ब्लैक कलर लिख देते हैं ब्लैक, कितने पिक्सल का चाहिए 20 पिक्सल सॉरी 2 पिक्सल, और सेमी कॉलन लगा दिया। इसको सेव करते हैं, आते हैं अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा बॉर्डर आ गया। आप इस बॉर्डर की जो थिकनेस है उसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हमने बॉर्डर दे दिया 5 पिक्सल, कंट्रोल ऐसे सेव करा रिफ्रेश करा, देखिए बॉर्डर हमारा बढ़ गया। इसी तरह हम और बढ़ा सकते हैं, 50 दे के दिखा देता हूँ मैं आपको एक साथ में, देखिए कितना बड़ा बॉर्डर हो गया। इस तरह आप फ्रेंड्स सीएसएस के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, और बाकी इंशाल्लाह सीएसएस से रिलेटेड बाकी काम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो फ्रेंड्स खुदा हाफिज़, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।